साल भर पहले जो प्रत्येक पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि की गई थी, उसे वापस करने का फरमान जारी किया है पेपर वेरिफिकेशन के नाम पर। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जब मानदेय बढ़ाने की बात थी प्रत्येक साल, यहाँ तो 50% घटा दी गई। ये जो है सरकार का तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के विरोध में हम लोग आज BRC से लेकर डाक बंगला तक जो है बाइक रैली निकाल तुर्की में पारा शिक्षकों ने लंबित व बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान के लिए रैली निकालकर किया प्रदर्शन। तुर्की में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को BRC भवन से लेकर तुर्की प्रखंड सह अंचल कार्यालय होते डाक बंगला तक बाइक के माध्यम से रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से पारा शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना कुमार भारती के नेतृत्व में प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि हम लोगों का 2 माह का बकाया मानदेय का भुगतान करो और बढ़ा हुआ मानदेय लागू करो। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि 1 वर्ष तक हम लोगों को बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान किया गया, इसके बाद पेपर जांच के नाम पर हम लोगों का बढ़ा हुआ मानदेय को रोक दिया गया है, जिससे हम सभी पारा शिक्षक संघ की नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की बढ़ी हुई मानदेय के साथ 2 माह का मानदेय होली तक भुगतान नहीं करेगी तो वे लोग विवश होकर अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। उक्त शिक्षकों ने कहा कि हम लोग अपना मांग पत्र के माध्यम से BRC भवन को सूचित करने गए थे, लेकिन BRC में BEEO के अलावा किसी भी शिक्षक कर्मी के नहीं रहने की वजह से हम लोगों ने अपना मांग पत्र नहीं सौंपा। इस दौरान रोषपूर्ण प्रदर्शन में शामिल पारा शिक्षक मुन्ना कुमार भारती, मोती प्रसाद शाह, अवधेश यादव, नंदलाल विश्वकर्मा, बिंदू राम के अलावा अन्य कई सहयोगी शिक्षक शामिल थे। किस लिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली निकाले हैं? अभी सरकार ने एक तानाशाही लेटर कल जारी किया है। साल भर पहले जो प्रत्येक पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि की गई थी, उसे वापस करने का फरमान जारी किया है पेपर वेरिफिकेशन के नाम पर। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जब पेपर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा तब जा कर के जो पहले मानदेय मिलता था वो मिलेगा, नहीं तो 1 साल पूर्व जो रघुवर दास की सरकार में जो पुराना पेमेंट मिलता था वही मिलेगा, ऐसा तानाशाही फरमान जारी किया गया है। जबकि इससे पहले 1 साल तक हम लोग को बढ़ा हुआ मानदेय मिला था, दूसरे में कि 4% मानदेय बढ़ाने की बात थी प्रत्येक साल, यहाँ तो 50% घटा दी गई। ये जो है सरकार का तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के विरोध में हम लोग आज BRC से लेकर डाक बंगला तक जो है बाइक रैली निकाले हैं, और यह जो है होली तक जैसा जो त्यौहार है उस पर 2 महीना का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। अगर होली तक पेमेंट नहीं मिलता है और जो सरकार तानाशाही लेटर जारी किया है उसे वापस नहीं लेता है तो हम लोग होली के बाद विद्यालय को बंद करेंगे और BRC में तालाबंदी करेंगे। इसलिए कि बार बार पैसा और पेपर जमा करने के बाद भी हम लोग का पेपर वेरिफिकेशन अभी तक विभाग क्यों नहीं कराया, विभाग के गलती का जो खमियाजा हमारे शिक्षक क्यों भुगतेंगे, यही